डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर के क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। मान लीजिए आपको दिया हुआ है r1 और r2 दो वेक्टर हैं, इस प्रकार है कि जब उसको डॉट करेंगे तो उसका रिजल्ट होना चाहिए r1 डॉट r2 का वैल्यू r है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में पढ़े हैं, जब दो वेक्टर को डॉट करते हैं तो उसका रिजल्ट स्केलर होते हैं, इसलिए यहाँ पे r पे हम वेक्टर का साइन नहीं दिए हैं। अब देखिए फिर अगर r में डेल्टा r चेंज हो, यानी r प्लस डेल r हो, कब? तो जब r1 वेक्टर में चेंज हो रहा है डेल्टा r1 वेक्टर ये, और r2 वेक्टर में चेंज हो रहा है डेल्टा r2 वेक्टर ये, किसके रेस्पेक्ट में? तो जब टाइम t में डेल्टा t चेंज हो ये। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किए तो r1 को डॉट करेंगे r2 वेक्टर के साथ, ये है आपका प्लस डेल r2 वेक्टर के साथ, फिर प्लस है तो प्लस डेल r1 वेक्टर को डॉट करेंगे r2 वेक्टर के साथ, प्लस डेल r2 वेक्टर के साथ ये, तो डॉट किए इसको इससे, ये आ गया r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर, फिर r1 को डॉट किए हम डेल r2 वेक्टर के साथ, प्लस डेल r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर, प्लस हो गया आपका डेल r1 वेक्टर डॉट डेल r2 वेक्टर ये, मल्टीप्लाई किए, ये मल्टीप्लाई करना एकदम आप जानते हैं, ट्वेल्थ में भी पढ़े हो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना। अब देखिए आप नाउ टू में से हम क्या किए, माइनस किए वन को, टू में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में r प्लस डेल r हैं, इसमें से r को माइनस किए, इधर राइट साइड में आप देखिए r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर प्लस r1 वेक्टर डॉट डेल r2 वेक्टर प्लस डेल r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर प्लस डेल r1 वेक्टर डॉट डेल r2 वेक्टर ये हैं, इसमें से माइनस करेंगे वन में आपका राइट हैंड साइड में है r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर, माइनस करने पे देखिए ये दोनों सेम है आपका कैंसिल हो गया, यहाँ भी r r आपका कट गया तो ये बचा क्या डेल r, इधर क्या रह गया तो r1 वेक्टर डॉट डेल r2 वेक्टर प्लस डेल r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर प्लस डेल r1 वेक्टर डॉट डेल r2 वेक्टर ये रहा। हमने क्या किया इसमें दोनों ओर डिवाइड कर दिए डेल t से, दोनों ओर इधर भी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, ये हो गया r1 डॉट डेल r2 वेक्टर प्लस ये आपका डेल r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर प्लस डेल r1 वेक्टर डॉट डेल r2 वेक्टर हैं, इसमें भी क्या किए राइट साइड भी हम डेल t से डिवाइड कर दिए, दोनों ओर हम डिवाइड किए, फिर इसको हम अलग अलग किए, सेपरेट किए, अलग अलग किए, अलग अलग किए आप यहाँ देखिए ये रह गया आपका डेल r बाय डेल t ये, इधर अलग किए तो r1 वेक्टर डॉट डेल r2 वेक्टर बाय में हो गया डेल t प्लस डेल r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर बाय डेल t और प्लस ये हो गया डेल r1 वेक्टर डॉट डेल r2 वेक्टर बाय डेल t ये अलग अलग किए। अलग अलग करने के बाद इसमें हम लिमिट लगा दिए, लिमिट लगाए डेल दोनों ओर डेल t टेंस टू जीरो ये डेल r बाय डेल t हैं, इधर भी लिमिट लिए लिमिट डेल t टेंस टू जीरो ये हो गया r1 वेक्टर डॉट डेल r2 वेक्टर बाय डेल t प्लस डेल r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर बाय डेल t प्लस डेल r1 वेक्टर डेल r2 वेक्टर बाय डेल t ये हाँ, इधर लिमिट लगाए तो ये आ गया डी आर बाय डी टी ये, इधर अलग अलग किए, अलग अलग किए तो लिमिट डेल t टेंस टू जीरो पहला टर्म में लगा r1 डॉट डेल r2 बाय डेल t ये, दूसरा में किए
यह आ गया लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, ये हो गया डेल आर वन वेक्टर डॉट आर टू वेक्टर बाय डेल टी। हाँ, प्लस नीचे में लिख देते हैं, ये आ गया आपका प्लस, अब तीसरा टर्म में लगाए तो प्लस लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, यहाँ पे आ गया डेल आर वन वेक्टर डॉट डेल आर टू वेक्टर बाय डेल टी। ये अब ध्यान दीजिए, टी के रेस्पेक्ट में, डेल टी के रेस्पेक्ट में लिमिट कर रहे हैं हम, यहाँ पे इसमें आर वन में नहीं लेते हैं, आर वन वेक्टर बाहर आ गया डॉट लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, या ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे आ गया आपका आर वन डॉट, इस दोनों को डेल आर टू बाई डेल टी इसमें लिमिट लगा तो ये आ गया डी आर टू वेक्टर बाई डी टी, प्लस यहाँ पे डेल आर वन बाई डेल टी में लगाए लिमिट ये आ गया डी आर वन वेक्टर बाई डी टी, डॉट है तो डॉट आर टू वेक्टर। अब बाबू यहाँ देखिए आप, यहाँ पे दो डेल हैं, डेल आर वन और डेल आर टू, लेकिन डेल टी एक ही है, तो हम क्या किए, एक डेल टी अपने मन से आर टू वाले के नीचे में लिखे, तो ऊपर में भी रखना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए। अब देखिए इसका जो हो गया आपका डेल आर वन बाय डेल टी का वैल्यू डी आर वन बाय डी टी आया, वैसे ही डॉट है तो डॉट डेल आर टू बाय डी टी ये आ गया डेल आर टू वेक्टर बाय डी टी, लेकिन ये जो आपका डेल टी है इसका वैल्यू क्या हो गया जीरो, इससे मिला क्या तो आर वन डॉट डेल डी आर टू बाय डी टी प्लस ये डिफ्रेंसिएशन आर वन वेक्टर में टी के रेस्पेक्ट में डॉट आर टू, ये टोटल के टोटल आपका जीरो हो गया। यानी आप देखें कि यदि आर क्या है तो आर प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, कैसा प्रोडक्ट तो डॉट प्रोडक्ट है आर वन डॉट आर टू, तो इसमें जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किए तो ये हो गया आपका, पहले आर वन रखे आर वन वेक्टर को रखे डॉट आर टू वेक्टर का डिफ्रेंसिएशन, फिर प्लस आर वन वेक्टर का डिफ्रेंसिएशन टी के रेस्पेक्ट में डॉट आर टू वेक्टर, ये फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपके लिए जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो उस समय उसमें डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।